राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर को कैंपस का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन कॉलेज की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गई है। कैंपस का दर्जा देते वक्त काफी बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज कैंपस में न तो प्राध्यापक है और न ही अन्य स्टाफ भी कार्य कर पा रहा है। बागेश्वर का यह उच्च शिक्षण संस्थान आज कॉलेज और कैंपस के बीच झूल रहा है। छात्र छात्राओं को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो उनके निदान के लिए किसके पास जाएं। कुछ स्टाफ महाविद्यालय का चल रहा है, जबकि कुछ प्राध्यापक और कर्मचारी कैंपस के तैनात हैं। हालत यह हो गई है कि उच्च शिक्षा के लिए अब छात्र छात्राएं बाहरी जनपदों का रुख करने लगे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बागेश्वर के जनप्रतिनिधि इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। महाविद्यालय में काफी महाविद्यालय से कैंपस बन चुका है, परंतु यहाँ पर अगर समस्याओं की बात करें तो काफी समस्याएं हैं। बीएससी बीकॉम है, इसके अलावा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर क्लासें प्रॉपर नहीं चलती हैं, यहाँ पर ना बीएससी बीकॉम में भी क्लासें प्रॉपर नहीं चलती है। किसी भी विभाग में यहाँ पर टीचर आते हैं, कॉलेज में आते हैं, कैंपस में आते हैं, लेकिन जिस तरह कैंपस और जगह का कैंपस है, अल्मोड़ा SSC यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर लॉ फैकल्टी भी है और बहुत सी फैकल्टी है, लेकिन बागेश्वर कैंपस में बस खाली कैंपस का दर्जा दिया गया। यहाँ पर ना हम किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी सुविधा हमें यहाँ पर नहीं दी जाती है। देखिए, अभी कैंपस बने हुए कुछ ही समय हुआ है और हमने काफ़ी प्रयास भी किया इस पर कि सारे टीचर आ जाएँ, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे फैकल्टी अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, वही पुराना। तो बच्चा बहुत दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आता है, कपकोट, सामा, रीमा, इतने दूर दूर से सेतु से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर यहाँ जल्द से जल्द अगर शिक्षकों की नियुक्ति और सारे अगर फैकल्टीज खुल जाएँ, प्रॉपर अगर क्लासेज चलें, तो इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसा आजकल एडमिशन चल रहे हैं हमारे, तो एडमिशन के टाइम में भी यहाँ ना सीटें बढ़ रही है ना कुछ हो रहा है। जो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, उन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। हम परेशान हैं मैम कि यहाँ एडमिशन पर उससे ज़्यादा ना सीट बढ़ रही है यहाँ ना कुछ हो रहा है। तो मैम उस चीज़ की बहुत दिक्कत है कि यहाँ सीटें नहीं बढ़ रही है और खाली कैंपस का इन्होंने नाम दिया है। हमने यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को भी अतिरिक्त पद सृजन के लिए भी मांग भेज रखी है, और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ने भी प्रशासन को ये भेज दिया होगा, तो जल्द से जल्द मुझे लगता है कि प्रसिद्धित होंगे। और CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।